इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में लाइव कमेंट सिस्टम किस तरह से क्रिएट करते हैं, या फिर अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में कमेंट बॉक्स का फीचर अवेलेबल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझे बताया गया था कि PHP CSS और MySQL की कोडिंग की मदद से हम लाइव कमेंट सिस्टम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसे इंसर्ट कोड PHP की प्लगइन की मदद से वर्डप्रेस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप अगर वर्डप्रेस में लाइव कमेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा सोर्स कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली प्लगइन की मदद से लाइव कमेंट सिस्टम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन आप अगर PHP की मदद से कमेंट सिस्टम ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए मैं वीडियो के एंड में अल्टरनेट सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट के बैकएंड में और देखते हैं प्लगइन की मदद से हम किस तरह से लाइव कमेंट सिस्टम ऐड कर सकते हैं। तो प्लगइन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें प्लगइन सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आने के बाद हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्लगइन का नाम सर्च करना है, कमेंट्स WP डिस्कस, इस नाम का प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। तो आपको इस वाले प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। प्लगइन के इंस्टॉल होने के बाद आपको प्लगइन के सेटिंग में जाना है। यहाँ पर WP डिस्कस यहाँ पर दिखाई देगा आपको, तो आपको इसके सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग्स पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली 3 स्टेप यहाँ पर दिए गए होंगे, तो उसको आपको सेट करना है। आप अगर यहाँ पर कमेंट का स्टाइल और लेआउट जिस तरह से अपने हिसाब से रखना चाहते हो तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 स्टाइल दिए गए, Layout 1, Layout 2, Layout 3। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लाइट और Layout 1 रखता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने सेकंड स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कमेंट्स की बबल सेटिंग यहाँ पर इनेबल रखना चाहते हो या नहीं, या फिर कमेंट्स के लाइव अपडेट्स यहाँ पर इनेबल रखना चाहते हो नहीं, या फिर कमेंट्स का लोकेशन कहाँ पे आपको रखना है, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, या फिर कॉर्नर पर रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, आप लेफ्ट राइट जहाँ पर चाहते हो वहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ पर फाइनल स्टेप यहाँ पर दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको फिनिश इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आपका इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पर आप इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। प्लगइन का इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद आपको डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आप अपने कमेंट्स का जो भी ओवरव्यू है वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बस इतना सा सेटअप करना था आपको। चलिए अभी देखते हमारे वेबसाइट में कमेंट बॉक्स या कमेंट सिस्टम ऐड हुई या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले पोस्ट में जाना है। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी एक आर्टिकल को ओपन कर लेना है। तो मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कमेंट सिस्टम इनेबल हो चुका है, तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कमेंट टाइप करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट टाइप किया तो मैं यहाँ पर पोस्ट कमेंट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे कमेंट यहाँ पर पोस्ट हो चुके हैं। कमेंट करने के बाद आप अगर आर्टिकल को रेटिंग देना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आप जितने स्टार रेटिंग देना चाहते हो तो उतने स्टार यहाँ पर सेलेक्ट करके रेटिंग भी दे सकते हो। कमेंट्स इंटर करने के लिए फिलहाल तो हमने यहाँ पर एक ही इनपुट बॉक्स रखा है, लेकिन आप अगर चाहते हो कि यूज़र यहाँ पर अपना नेम, ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट URL भी इंटर कर सके तो उसके लिए हमें इस फॉर्म को एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए हमें प्लगइन के सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें फॉर्म्स पर क्लिक करना है। तो फॉर्म्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एडिट करना है फॉर्म को, और उसके बाद हमें सबसे यहाँ पर नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आप अगर यूज़र का नेम यहाँ पर इंटर करवाना चाहते हो या फिर ईमेल या फिर वेबसाइट URL यहाँ पर इंटर करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से एक्स्ट्रा कंट्रोल भी ऐड कर सकते हो। आपको प्लस भी क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा कंट्रोल अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके उस एक्स्ट्रा कंट्रोल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ एडिशनल सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ एडिशनल सेटिंग दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो खुद प्लगइन इंस्टॉल करके। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में कमेंट सिस्टम ऐड करने के लिए ये थे हमारे सिंपल से मेथड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से कमेंट सिस्टम ऐड करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में। चलिए मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर एक कमेंट ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने कमेंट यहाँ पर टाइप करी है, तो उसके बाद सिंपली हमें पोस्ट कमेंट पर क्लिक कर लेना है।
तो जैसे मैं पोस्ट कमेंट पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो मेरी कमेंट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। कमेंट करने के बाद अगर आपके कमेंट पर कोई रिप्लाई करना चाहता है तो सिंपली यहाँ पर रिप्लाई पर क्लिक करके वो आपके कमेंट पर रिप्लाई भी कर सकता है। या फिर अगर कोई यूज़र आपके कमेंट पर वोटिंग करना चाहता है तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव वोटिंग भी कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं अभी हमारी वीडियो के कमेंट की। तो आप अगर सोर्स कोड का यूज़ करके ही लाइव कमेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इंटर करना है, राइट सोर्स कोड फॉर लाइव कमेंट सिस्टम यूजिंग PHP CSS इन सिंगल डॉक्यूमेंट। सिंगल डॉक्यूमेंट्स इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हम प्लगइन का यूज़ करके इसे हम वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो कमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर हमें चैट जीपीटी ने अच्छा खासा सोर्स कोड यहाँ पर क्रिएट करके दिया है। आपको इस सोर्स कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेना है और उसे हमें वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर लेना है। वर्डप्रेस के साथ किस तरह से PHP के कोड को इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या बटन पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि ये सोर्स कोड ठीक तरह से काम ना करे, तो उसके लिए आप यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट इंटर करके आप आपका सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल हमने सिर्फ इतना ही प्रॉम्प्ट इंटर किया था, तो उसके आगे मैंने और एक प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है एंड सजेस्ट सिंपल प्रोसेस फॉर इंटीग्रेट दैट सोर्स कोड विथ वर्डप्रेस। मतलब उस सोर्स कोड को वर्डप्रेस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करना है ये भी मुझे बताओ। तो हमने प्रॉम्प्ट इंटर किया, उसके बाद चैट जीपीटी हमें एक आंसर क्रिएट करके देगा और उसके जरिए वो हमें बताएगा कि उसको उस सोर्स कोड को हमें वर्डप्रेस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करना है। आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है आपको तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।